ना हूँ मैंने शुगर की अपना जी गोली की जरूरत है जी, तो ना ब्लड प्रैशर की जरूरत है। तो जिस दिन का मैं आया उदा का मेरा ब्लड प्रैशर भी ठीक है जी, तो शुगर भी ठीक है जी। पहले से जब से आया हूँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय है, मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ आज एक पेशेंट है रमेश कुमार जी, बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर शुगर और बीपी की शिकायत लेकर आए थे हमारे पास। तो जब ये इस बीमारी से ग्रसित थे तब ये अंग्रेजी दवाइयाँ इनको लेने की ज़रूरत पड़ती थी। शुगर की गोली रोज खाते थे, बीपी की गोली रोज खाते थे, उसके बावजूद भी इनकी शुगर फ्लक्चुएट करती रहती थी। तो आज हम रमेश जी से जानते हैं, उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर आके उनको कैसा लग रहा है और वो अपनी ही पैरामीटर्स के बारे में हमको खुद बताएंगे। रमेश जी, ना हूँ मैंने शुगर की अपना जी गोली की जरूरत है जी, तो ना ब्लड प्रैशर की जरूरत है। तो जिस दिन का मैं आया उदा का मेरा ब्लड प्रैशर भी ठीक है जी, तो शुगर भी ठीक है जी। क्या आप जी नूं इत्थे आके भी शुगर दी गोली खानी पई? नहीं खानी पई जी। और शुगर लेवल मेंटेन्ड है आपका? बिल्कुल मेंटेन्ड है। ठीक है। क्या आप जी को बीपी की गोली लेनी पड़ी? नहीं ली। बीपी ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी ठीक चल रहा है। ठीक है। जब आप यहाँ पर आए थे पहले तो आपकी शिकायत थी कि आपके स्ट्रेस रहता था और कमजोरी लगती थी, अप डाउन होता था जी। अच्छा जी, तो जो पहले जैसे आपको कमजोरी महसूस होती थी अब वो कैसे है शरीर में? अभी ठीक है, लेकिन कमजोरी तो मैं अभी कमजोरी तो अभी भी हल्की हल्की है, बस इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन ये है। अच्छा फील कर रहा हूँ? अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से जब से आया हूँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या थेरेपीज करवाई और नेचुरल? सारी थेरेपी करी जी, पानी वाली थेरेपी करी है जी, इसमें फिर जो नीचे जो एक बड़ा मसाज महसूस सारा कुछ भी जी अपने क्या किया। फिर मैंने इसे मॉर्निंग वॉक किया, सुबह पार्क में जाके वहाँ बैठ के वो जो नंगे पैरिंग जो करते हैं, ठीक है, तो जो वहाँ किया। ठीक है। तो लगभग सारी यहाँ पे पंचकर्म और आयुर्वेदिक तरीके से आपकी? हाँ सब सब। ठीक है। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पंचकर्म के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा रमेश जी की शुगर को मेंटेन किया गया, बीपी को मेंटेन किया और पहले से जो इनको वीकनेस लगती थी उसमें सुधार हुआ है। रमेश जी, इस अवस्था में इस उम्र दराज के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ जिनके कोई भी जिनके ये बढ़िया जगह है, ठीक है, इनके तरीके से हम चलेंगे तो जी पाएंगे। जो इनका खाना है, ठीक है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो सुबह फ्रूट खाते हैं जी, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, वो बढ़िया है जी। जो हम जो ये डाइट देते हैं वो बढ़िया है, ठीक है, इस वजह से हम अच्छा जी पाए। ठीक है। तो रमेश जी, और आपकी क्या क्या दिनचर्या रहती थी सुबह से? कितने बजे आपको उठाया जाता था और क्या क्या करवाया जाता था? सुबह 5 बजे मैं उठता था। ठीक है जी। 5 बजे उठ के बस फिर नीचे योगा था, योगा में जाना जी। उसके बाद फिर मैं 7:30 बजे ये पार्क में चला जाता था, पास में 8:30 आता था, 8:30 फिर नाश्ता करके आके फिर मैं अपना जो आप पानी वाली थेरेपी है उसमें चले जाना। थेरेपी बनने के बाद फिर आके आराम करता हूँ मैं। आराम करने के बाद फिर मैं शाम को जाता हूँ, जो मसाज सिर में मसाज करते हैं उसमें गया हूँ। तो इस प्रकार पूरी जो इनकी दिनचर्या है उसमें आयुर्वेद सम्मिलित रहा, प्रकृति सम्मिलित रही। कुल मिला के शब्दों में हम यही कहेंगे कि रमेश जी ने दोबारा से अपने आप को प्रकृति से जोड़ा, आयुर्वेद से जोड़ा और जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जो भारतीय पद्धति है, उसके द्वारा इन्होंने अपने आप को हृष्ट पुष्ट किया। और भविष्य में हम यही कामना करते हैं कि रमेश जी और जो इस बीमारी से जूझ रहे भारत के और विश्व के जो लोग हैं, इसी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आगे आएं, आयुर्वेद की तरफ अपने आप को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ करें। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।